मुंगावली के डॉक्टर भीमराव अंबेडकर मांगलिक भवन के पास राज्य मंत्री बृजेंद्र सिंह यादव डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की विशाल प्रतिमा अनावरण कार्यक्रम में सम्मिलित हुए और प्रतिमा का अनावरण किया। इस कार्यक्रम में नगर पालिका अध्यक्ष नीतू ग्वाल, पूर्व मंडल अध्यक्ष नरेश ग्वाल, नगर परिषद उपाध्यक्ष प्रतिनिधि मनीष मोदी, पार्षद मुकेश खटीक, पार्षद मनीष राय, एडवोकेट धन्नालाल अहिरवार, जितेंद्र अहिरवार एवं अहिरवार समाज के नागरिक उपस्थित रहे। कल्पना नहीं की थी कि हम इतने जल्दी और इतनी मूर्तियों का और इतनी सुंदर मूर्तियों का अनावरण करेंगे। चूंकि मैं पहली बार जब विधायक बना, दूसरी बार बना, तीसरी बार बना, ये बात सही है कि काफी दिनों से ये मांग चली आ रही थी कि बाबा साहब की मूर्ति की स्थापना की जाए, पर जगह की बात चल रही थी कि जगह कहाँ मिले। आप सब जानते हैं कानूनी प्रक्रिया है, जगह तो कहीं भी है शासकीय, पर हम डायरेक्ट उसमें नहीं रख सकते क्योंकि नाम से कराने में अब प्रक्रिया इतनी जटिल हो गई है कि यहाँ से नहीं, हमको भोपाल से कराना पड़ता है पूरा काम। पर मेरे मन में आया कि कई बार वकील साहब ने आप बार बार मेरे से कहा कि मंत्री जी मुंगावली में मूर्ति नहीं है, और ये बात भी सही है, केवल आपको आवश्यकता नहीं थी, मूर्ति की आवश्यकता तो हमको भी थी, क्योंकि जब जयंती आती थी बाबा साहब की तो हम एक तस्वीर रख के जयंती मनाते थे, माल्यार्पण करते थे। आज कम से कम हम जब जयंती मनाएंगे तो मूर्ति पर आकर माल्यार्पण करेंगे। पर देखिए योग संयोग बनता है, महाराणा प्रताप जी की मूर्ति की चर्चा चली, साथ में मैंने कहा गया बाबा साहब की मूर्ति भी रखना है, कहाँ रखे, हमने आपके वकील साहब सभी समाज के लोगों से चर्चा की तो सब हमने सहमति जताई कि जो हमारा किस नाम से है अंबेडकर भवन पर देखिए योग संयोग, अगर ये मूर्ति हम जल्दबाजी में रखते तो हो सकता है कहीं कोने में रखते, कहीं अलग ऐसी जगह देखते, चौराहे पे इतनी जगह तो कहीं नहीं मिलती, लेकिन जो मूर्ति आज हमने अनावरण किया, देखिए कितनी अच्छी जगह है, कितराया है। सबसे अगर मैं कहूं महंगी और कीमती और सबसे सुंदर जगह है तो इससे अच्छी जगह हमको कहीं नहीं मिलती, इतनी अच्छी जगह है। तो आज जब मूर्ति बनने के लिए ऑर्डर दिया गया, ग्रामीण भारत टीवी के लिए मुंगावली से मनीष सोनी की रिपोर्ट। खबरों में बने रहने के लिए ग्रामीण भारत टीवी को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें।